स्वागत है सर। इस बार जो चुनाव हो रही है, आज प्रेस वार्ता की गई है, प्रेस वार्ता का क्या मकसद है और इस बार क्या लग रहा है कि बहादुरपुर से कौन बनेगा इस बार सांसद? बहादुरपुर से तो पिछले बार तो बहुत बढ़त मिला था, इस बार तो खैर अपार बहुमत से है। ये बहादुरपुर तो इस बार सोचना भी नहीं है। आज राजीव रंजन की यहाँ सांसद की बैठ के यहाँ प्रेस वार्ता हम लोग सभी लोग किए हैं। और दूसरी बात ये है कि इतना बड़ा विकास का, इतना बड़ा दौर, इतना बड़ा लहर चल रहा है मोदी जी की गारंटी के साथ, जो वादे हैं और जो गोपाल जी के कार्यकाल में जो भी वादे उन्होंने किए थे, ढाई साल उनका कोरोना में जाने के बाद भी जो ढाई साल में जो काम का जो रफ्तार उन्होंने दिया है, ये अपने आप पे बहुत बड़ी बात है। और मोदी जी की गारंटी के साथ तो इस बार 40 का 40 ही कैसे ही होगा। नौकरी में, रेलवे के नौकरी में इतना जमीन लिया, जब से सब जेल जा रहा है और कहता है हम नौकरी दे दी, यही स्थिति है आरजेडी का। अशोक पेपर मिल का मुद्दा जो रहेगा, अपने क्षेत्र का समस्या हायाघाट का, वो आखिर कब तक चालू है, क्या उस पर? अशोक पेपर मिल का मुद्दा केस में है, जब तक केस चलेगा उस पर कुछ नहीं होने वाला है। और पुराना मिल तो अब चलने वाला नहीं है, नया मिल खुलने वाला है। तो हायाघाट में खास करके उसने जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो उस पर कम से कम कोई युवाओं के लिए कुछ स्टार्ट किया जाए, क्या आपको लगता है? हाँ सब सरकार मान लीजिए फिर गठबंधन बना है, हम लोग चाहेंगे कि नया नया वहाँ स्कीम, नया प्रोजेक्ट बने, फैक्ट्री खुले और पूरा बिहार का विकास। परिचय सर अपना। भारत नाथ चौधरी, जिला प्रवक्ता, भाजपा।